The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. उज्जैन हिंदू जागरण मंच द्वारा दिया गया पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन। हिंदू जागरण मंच के संयोजक अर्जुन सिंह बदोरिया द्वारा चर्चा में बताया गया है कि भोपाल विधायक आरिफ मसूद द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए अनुचित रूप से लगभग 20,000 लोगों को एकत्रित किया गया, जो फ्रांस का विरोध करने के लिए जो अनुचित नहीं है। वह साथ ही साथ इतने सारे लोगों की जान की परवाह किए बिना वह प्रशासन की बिना अनुमति से कार्यक्रम करवाया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है। इसी को लेकर हिंदू जागरण मंच द्वारा उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नाम पर उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर उज्जैन महानगर की अध्यक्ष श्रीमती नीलू चौहान उपस्थित व साथ ही साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहलका इंडिया न्यूज के लिए जगदीश परमार की रिपोर्ट। कुछ दिनों पूर्व भोपाल में विधायक जो है आरिफ मसूद, उसके द्वारा फालतू में ही 20,000 लोगों को लगभग इकट्ठा किया गया और ये फ्रांस के विरोध करने के लिए इन्होंने इकट्ठा किया। हमारी मांग ये है कि इस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन न करते हुए हजारों लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाला, जिसका कोई अधिकारी रूप से अपने उन्होंने मांगने की मतलब कोई प्रशासन से उन्होंने अनुमति नहीं ली, इस प्रकार से अवैधानिक कार्रवाई के लिए अगेंस्ट में इन पर रासुका की कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग करते हैं। साथ ही हमारे प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर दुबे जी, उन रामेश्वर शर्मा जी, उन पर भी जान से मारने की धमकी ऐसी दी गई जो अनुचित होकर रासुका कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। इसलिए हमने मांग की है आदरणीय DGP जी से कि तत्काल प्रभाव से आरिफ मसूद पर रासुका कार्रवाई की जाए। मालवा प्रांत के सभी पदाधिकारी, उज्जैन महानगर से श्रीमती नीलू चौहान एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। सभी की मांग है, ये मांग समस्त जिला में, समस्त मालवा प्रांत के सभी जिलों में की गई है। सभी थाना क्षेत्रों में हमने ज्ञापन आज प्रस्तुत किया है। अर्जुन सिंह मदोरिया।